दलजीत कौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे निखिल पटेल, बोले केन्या आकर अपना सामान ले जाए वरना दान दे दूंगा। बिग बॉस 13 की दलजीत कौर और उनके पति केन्या स्थित बिजनेसमैन निखिल पटेल सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले दलजीत ने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने बताया कि निखिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसके जवाब में निखिल ने अपने रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि दी। अब ताजा अपडेट ये है कि निखिल ने दलजीत को कानूनी नोटिस जारी किया है। निखिल पटेल के नोटिस के अनुसार भारतीय दंड संहिता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सोशल मीडिया पर दलजीत कौर के लगाए गए आरोप गलत हैं। निखिल ने बताया कि ये दलजीत के खिलाफ कार्रवाई का कारण हो सकता है। उसी के बारे में बात करते हुए निखिल ने कहा, दुनिया के एक सामान्य नागरिक के रूप में ये देखना बहुत परेशान करने वाला है कि भारत और विश्व स्तर पर ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों में क्या अंतर हो सकता है, और अक्सर कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं जो फालतू में फेम हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसमें शामिल लोगों की सहमति के बिना तस्वीरें और वीडियो फुटेज शेयर करना, खासकर बच्चों के मामले में जो समाज में हमेशा एक कमजोर पक्ष होते हैं और जिन्हें हमेशा कानून की सुरक्षा की जरूरत होती है, उनके लिए ये अवैध और लापरवाही भरा है। निखिल का ये भी कहना है कि दलजीत कौर की टीम जून में उनका बचा हुआ सामान लेने के लिए केन्या पहुंच जाए, वरना ये किसी चैरिटी को दे दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए उन्हें स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने उनसे कई बार इसके बारे में कहा। निखिल के अनुसार उनकी कानूनी टीम ने यह साफ कर दिया है कि वे आगे से किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर दलजीत ने अपनी गैरकानूनी हरकत जारी रखी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।